कनेक्टेड वेल विथ प्रेसिडेंट ट्रंप words, द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार हेलो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल और अलैकुम मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहा हूं, जिससे आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत के सिर्फ एक हिस्से के बारे में कुछ मालूम हो सकेगा डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल जो कि उनके खिलाफ अगले साल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं उनके खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति से करप्शन के इल्ज़ामों की जांच के लिए दबाव बनाया है और कहा है कि उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो वे अमेरिका से मिलने वाली यूक्रेन को सैनिक सहायता बंद कर देंगे यानी अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति किसी हद तक भी जा सकता है अब इस इल्ज़ाम के बाद उनके खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है अगर संसद के दोनों सदनों में ये पास हो गया तो उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ह्यूस्टन में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया है सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री को अमरीका के ऐसे नेता का खुलकर चुनाव प्रचार करना चाहिए था जिसका दामन इतना दागदार हो खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके हमारे कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी ज़रूर शेयर कर लें ताकि दुनिया के हालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से समझ सकें आज एक और बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड आने वाले दो अक्टूबर को अपना एक साल पूरा कर रहा है इस मौके पर हम कुछ विशेष प्रोग्राम पेश करेंगे उनमें से हम यूट्यूब पर भारत के शाम सात बजे से आठ बजे के दरमियान एक लाइव प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम अपने वीअर्स यानी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे आप दुनिया के किसी भी देश से हमारे साथ जुड़ सकते हैं विदेशों में इसका वक्त इस तरह होगा सऊदी अरब में साढ़े पाँच बजे शाम जी एम डेढ़ बजे दोपहर और वाशिंगटन और अमेरिका में सुबह के साढ़े आठ बजे होंगे हमने कोशिश की है कि ऐसा टाइम रखा जाए ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकें और अपने दिल में जो सवालात उन्होंने रखे हैं या कभी कभी कमेंट्स में भी लिखते हैं वो हमसे बरह रास्त बात कर सकें और हम भी कोशिश करेंगे कि उनके सवालों के जवाब दें बीबीसी की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शिकायत करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर के सीनियर अफसर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई फ़ोन कॉल की डिटेल को दबाने की कोशिश कर रहे थे हाल में रिलीज हुई शिकायत के मुताबिक कॉल का ब्यौरा साधारण कंप्यूटर में नहीं था इसे एक अलग सिस्टम में रखा गया था इस बीच उस शिकायत का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है जिसकी बुनियाद पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है शिकायत करने वाले ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें कई सोर्सेज से ये जानकारी मिली है कि ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में विदेशी दखल के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के एक्टिंग डायरेक्टर जोसेफ मैगुरे कांग्रेस समिति के समक्ष पेश हुए हैं समिति उनसे ये पूछ सकती है कि वो ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच फोन बातचीत के बारे में एक खुफिया अफसर की तरफ से जाहिर की गई चिंताओं पर कई हफ्ते तक क्यों खामोश रहे व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की के बीच फ़ोन पर हुई उस बातचीत का ब्यौरा जारी किया है जिसकी बुनियाद पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है इस बातचीत में ट्रंप ने जेलेंस्की को 25 जुलाई को डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडन और एक यूक्रेनी गैस फर्म में काम करने वाले उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा है अमेरिकी पार्लियामेंट के ऊपरी सदन यानी सीनेट में डेमोक्रेट पार्टी के नेता चक शुमर ने कहा है कि जारी किए गए दस्तावेजों ने महाभियोग की कार्रवाई पर मोहर लगा दी है वहीं ओकला होमा से रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मार्क वेन म्यूलिन का कहना है कि इन दस्तावेज़ों से कुछ भी साबित नहीं होता है उनका कहना था इनमें कुछ भी नहीं है अगर स्पीकर ने महाभियोग की पूरी प्रक्रिया की बुनियाद इन्हें ही बनाया तो वो ठहरे हुए पानी की तरह है और वो कहीं भी नहीं पहुंचने वाली है इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी के तीन सरकारों के दौरान सलाहकार रहे पीटर वेनर का कहना है कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप पर लगे इल्जामों से कोई हैरानी नहीं हुई है उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये सब पूरी तरह प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी ही अस्त व्यस्त है और उनमें नैतिकता यानी मोरालिटी का तो जीन ही नहीं है वो ऐसे शख्स हैं जिनमें कोई नैतिकता नहीं है और वो अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए कुछ भी कहेंगे और करेंगे वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी इल्जामों को खारिज करते हुए एक ट्वीट में लिखा है कि डेमोक्रेट पार्टी के लोग रिपब्लिकन पार्टी और उसके सभी उसूलों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं रिपब्लिकन साथियों एकजुट रहिए उनके खेल को समझिए और मजबूती से लड़िए हमारा देश दांव पर है यानी ट्रंप भी वही कह रहे हैं जैसा कि जब कोई नेता कहीं फंसता है वो इसे देश के लिए ख़तरा बताकर बच निकलने की कोशिश करता है नेता अपने आप को राष्ट्रीयता का सिंबल बनाकर पेश करता है मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आम आमतौर पर बहुत सी खबरें अखबारों में आती हैं लेकिन हम पूरे मामले को अच्छी तरह नहीं समझ पाते यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ट्रंप पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का पूरा मामला ये पूरा मामला उनके सियासी हरीफ़ यानी पॉलिटिकल राइवल जो बाइडन से जो कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं से जुड़ा हुआ है इल्जाम यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला है कि वो जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ करप्शन के दावों की जांच करवाएं इस इल्जाम के बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है पिछले हफ्ते खबरें आई थी कि अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने सरकार के एक वॉच डॉग से शिकायत की थी कि ट्रंप ने एक विदेशी नेता से बातचीत की है बाद में पता चला कि ये विदेशी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर जनरल ने विसिल ब्लोअर यानी शिकायत करने वाले की शिकायत को फ़ौर ध्यान में लेने काबिल और यकीन करने काबिल माना और साथ ही डेमोक्रेट सांसदों ने उस शिकायत की कॉपी को संसद में रखने की मांग कर दी लेकिन व्हाइट हाउस और न्याय विभाग ने इससे इनकार कर दिया बीबीसी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई थी ये साफ़ नहीं है हालांकि डेमोक्रेट्स का इल्जाम है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ लगे करप्शन के इल्ज़ामों की जांच करने का दबाव बनाया है और ऐसा न करने पर यूक्रेन को दी जाने वाली सैनिक मदद रोकने की धमकी दी है दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ये मान रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने जो बाइडन के बारे में चर्चा की है लेकिन उनके खिलाफ जांच के लिए कथित दबाव की बात वो नहीं मान रहे वो ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने सैन्य मदद रोकने की धमकी इसलिए दी थी ताकि यूरोप भी मदद के लिए आगे आए लेकिन आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कानून क्या है वहाँ के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को देशद्रोह रिश्वत और दूसरे संगीन अपराधों में महाभियोग का सामना करना पड़ता है महाभियोग यानी एम्पीचमेंट का प्रोसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से शुरू होता है और इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है यानी इक्यावन परसेंट जिसके अगर इसके हक हाँ में हो तो ये बात आगे बढ़ जाती है इसके बाद सीनेट में एक सुनवाई होती है लेकिन यहाँ महाभियोग की मंजूरी देने के लिए दो तिहाई बहुमत की ज़रूरत पड़ती है अगर ऐसा हो जाए तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है एक और बात जो यहाँ बताना जरूरी है वो ये कि अमरीकी इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है ट्रंप के खिलाफ पहले भी कई बार महाभियोग की कोशिश हुई है 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस के साथ ट्रंप के मिलीभगत के इल्जामों के बाद उन पर महाभियोग चलाने की बात हुई थी इसके अलावा डेमोक्रेटिक कांग्रेस की चार महिला सांसदों के खिलाफ ट्रंप की नस्लीय टिप्पणी यानी रेसिस्ट कमेंट्स करने पर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग उठी थी जिसे खारिज कर दिया गया था ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दो महिलाओं के साथ संबंधों को छुपाए रखने के लिए रकम देने का भी इल्ज़ाम लगा था ट्रंप के वकील और साथी रहे माइकल कोहेन ने इन संबंधों को छुपाए रखने के लिए रकम देने की बात भी मानी थी इसके लिए भी उन पर महाभियोग चलाने की चर्चा हुई थी हालांकि ये अलग बात है कि इन मामलों में ट्रंप पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका

साथ ही उन पर यह भी आरोप था कि बिल क्लिंटन ने मोनिका लेवेंस्की को भी इस मामले में झूठ बोलने के लिए कहा था उस जमाने में उन्नीस में जब मैं अमरीका गया था तो मैं अमरीकियों से कहा करता था कि हमारे यहां एशिया में परिवार एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बाद बच्चे होते हैं और परिवार आगे बढ़ता है लेकिन आपके यहाँ तो हर एक आज़ाद है जिसके साथ जहाँ चाहे रहे जब सभी आज़ाद हैं तो क्लिंटन के मोनिका लेवेंसकी के ताल्लुकात पर आप इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं उनका कहना था कि नहीं एतराज़ ताल्लुक़ पर नहीं है बल्कि झूठ बोलने पर है ये बहुत ही दिलचस्प बात है बिल क्लिंटन के अलावा एंड्रयू जॉनसन अकेले राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा था जॉनसन अमेरिका के सत्रहवें राष्ट्रपति थे वे अट्ठारह से अट्ठारह तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉनसन के खिलाफ अट्ठारह में पार्लियामेंट में महाभियोग लगाया गया था तब के 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 युद्ध मंत्री एडविन के हटने 11 के दिन बाद ही उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था एडविन राष्ट्रपति की नीतियों से सहमत नहीं थे जॉनसन का मामला बिल क्लिंटन से बिल्कुल उलट था जॉनसन का महाभियोग महज एक वोट से बच गया था तो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप अपनी हुकूमत बाकी रखने के लिए कहां तक जा सकते हैं और जब उनका गुनाह पकड़ा जाता है तो वे कहते हैं कि सभी रिपब्लिकन इकट्ठा रहें और देश खतरे में है क्या हम ऐसे राष्ट्रपति का समर्थन करते रहें जो पूरी दुनिया में बेचैनी फैलाने के लिए ज़िम्मेदार समझे जाते हैं जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ भी व्यापार जंग छेड़ रखी है क्या आपकी नज़र में सब कुछ ठीक हो रहा है आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद